नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में। सिविल इलेक्ट्रिकल बीई बीटेक स्टूडेंट्स के लिए फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम आ चुका है। इस प्रोग्राम के तहत पावर ग्रिड इंजीनियर्स को ट्रेनिंग कराएगी और ट्रेनिंग के साथ साथ सर्टिफिकेट देगी और सर्टिफिकेट के साथ साथ 1,80,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। तो चलिए इस अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि यह जॉब पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से अनाउंस की जा रही है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 7/7/2022 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और यदि हम लास्ट डेट की बात करें तो 31/7/2022 है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इसके साथ साथ ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग। स्टाइपेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स का यदि सिलेक्शन होता है तो 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी और 1 ईयर में आपको प्रत्येक मंथ 12,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि 1 साल में आपको 1,44,000 रुपये मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ यदि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के साथ साथ पर मंथ आपको 15,000 यानी कि 15,000 रुपये मिलेंगे। तो इस हिसाब से 1 ईयर में आपको 1,80,000 रुपये मिल जाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म को आप कहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके का नोटिफिकेशन प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग जारी किया गया है। तो अपने स्टेट का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सबसे पहले आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन डाउनलोड का लिंक दिया गया है, उसी पर आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कॉलम बना हुआ दिखेगा और इस कॉलम में एक स्टेट का कॉलम होगा। इसी कॉलम में जब आप नीचे देखेंगे तो आपको प्रत्येक स्टेट का नाम कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, आसाम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक स्टेट दिख जाएगा। तो आप जिस स्टेट से हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इसके साथ साथ यहाँ पर जिस कॉलम में आपका स्टेट हो उसी के सामने आप देख सकते हैं कि क्लिक हियर, यहाँ पर एक क्लिक हियर लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देखते हैं कि इन सभी स्टेट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट प्रत्येक इंजीनियर्स के लिए कितनी है। आप अपने स्टेट का डाउनलोड करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो क्लिक हियर पर आपको अपने स्टेट के सामने वाला क्लिक हियर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि दिल्ली स्टेट में टोटल जितनी पोस्ट है उसकी लिस्ट यहां पे है, हरियाणा स्टेट में टोटल जितनी पोस्ट है उसकी लिस्ट यहां पे है, उत्तर प्रदेश स्टेट में जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है उसकी लिस्ट यहां पर है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि राजस्थान, उत्तराखंड में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जितनी है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। और इसके साथ साथ सिलेक्शन होने के बाद प्रत्येक स्टेट में कहाँ पर ट्रेनिंग होगी उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो इसी तरीके से आप अपने स्टेट का पीडीएफ नोटिफिकेशन ओपन करके देख लीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और इसके साथ साथ ट्रेनिंग कहाँ पर होगी। अब चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पहले ही कर रखा है तो उसी रजिस्ट्रेशन से आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। बट यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने का फुल प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। आपको पावर ग्रिड की वेबसाइट पर जाना है, कैरियर के ऑप्शन पर जाना है, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में अप्लाई का लिंक दिया गया है। अप्लाई के लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो सिंपली आपको बिल्कुल नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अप्लाई का लिंक दिया गया है, तो क्लिक हियर पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, तो सिंपली आपको नीचे चले जाना है। नीचे आने के बाद सबसे पहले आपको अप्लाई पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो भी ऑप्शन आपसे पूछेगा उसको आपको फिलअप करके सबमिट कर देना है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा।
तो फुल इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू से रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू से रिलेटेड 500 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। यदि आप इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है हमारे इंस्टाग्राम के बायो में दिया गया है, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद।